हरे कृष्णा एवरीवन, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं जस्ट इन टाइम एंड लीन ऑपरेशंस। नॉर्मली अगर आप देखो तो घरों में सब्जियां कैसे खरीदी जाती है, एक हफ्ते का स्टॉक एक बार खरीदा जाता है और उसको फ्रिज में रख दिया जाता है और जब जब जरूरत पड़ती है पूरे हफ्ते में हम निकाल के सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। उसी की जगह अगर सोच के देखो कि फ्रेश एकदम सब्जी टूट के आ रही है आपके घर में और एकदम फ्रेश फ्रेश सब्जी आप बना रहे हो, इसका स्वाद अलग ही होगा एज़ कम्पेयर टू एक ऐसी सब्जी जो पूरे हफ्ते भर फ्रिज में रखी हुई है ना। सिमिलर वे में मैं अपना अगर एक एग्जांपल दूँ ना, तो मेरे को मोमोज नहीं पसंद थे, ठीक है। तो मेरा एक कज़न ने बोला कि भाई साहब ठीक है, तू पहले नहीं खाती होगी, कहीं और का नहीं खाती होगी, पर मैं देखो एक जगह लेकर चलता हूँ, वहाँ का अगर तू मोमोज खाएगी ना तो तू फैन हो जाएगी। तो हम वहाँ गए, वहाँ पर मोमोज कैसे बन रहे थे पता, एकदम फ्रेश, मतलब वो आटा भी उसी समय लगा रहे हैं, उसी समय बेल रहे हैं, उसी समय स्टीम कर रहे हैं और डायरेक्टली हमको दे रहे हैं। थिंक अबाउट इट, कितना ज़्यादा फ्रेश होगा ये एज कम्पेयर टू एक ऐसा मोमोज जो पहले से बना हुआ रखा है और उसको बस स्टीम करके आपको पकड़ाया जा रहा है ना। अब यही चीज़ अगर हम प्रोडक्शन में लेके चलें तो लेट्स से हम कार असेंबली में जा रहे हैं और कार असेंबली में अब एयर बैग ऐड करने का टाइम आ गया। ये जो एयर बैग्स है ना, ये कार असेंबली वालों ने इतने पीरियड ऑफ टाइम से मेंटेन करके रखा था, मतलब बहुत पहले से, जब हमको ज़रूरत पड़ रही है आज लेट से, और वो उन्होंने 2-3 महीने पहले ही बहुत सारे एयर बैग खरीद के रख लिए ताकि हमको कमी ना पड़े ना। थिंक अबाउट इट यार, जब तुम आज एयर बैग लगाने वाले हो अपनी गाड़ी में तो 2-4 महीने पहले से खरीद के रखने की क्या ज़रूरत थी, आज लगाने वाले हो ना 2-3 दिन पहले खरीद के रख लेते, इतना पहले खरीद के रखने की क्या ज़रूरत है। अब देखो यार, हमको ये तो समझ आ रहा है कि चलो वेजिटेबल पहले से नहीं खरीद के रखना चाहिए, एकदम फ्रेश फ्रेश लेना चाहिए तो उसमें फ्रेशनेस फील होगी। सिमिलर वे में मोमोज अगर फ्रेश फ्रेश बन रहे हैं तो एकदम अच्छी क्वालिटी फील होगी, लेकिन यार एयर बैग में ऐसा थोड़े ना, मैं आज खरीदूँ 2 महीने पहले खरीद के रखूँ कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या, क्वालिटी तो वही रहेगी है ना। लेकिन एक बात सोच के देखो यार, ऑर्गेनाइजेशन अगर 2 महीने पहले खरीद के रख लेगी एयरबैग तो उनको पूरे 2 महीने तक उस एयरबैग को मेंटेन करके रखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब उसका स्टोरेज का खर्चा आएगा। क्यों तुम 2 महीने पहले से स्टोरेज का खर्चा कर रहे हो जबकि तुमको 2 दिन पहले भी तुम खरीद के रख सकते हो, है ना। तो बेटर सिचुएशन क्या है, जब जितनी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट हो रही है तब उतनी खरीदी जाए, पहले से 100 किलो इन्वेंट्री मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड दिस इज़ व्हाट जस्ट इन टाइम टेल्स अस एंड टीचर्स अस। जस्ट इन टाइम बोलता है कि भाई देखो, जब प्रोडक्शन करना है तभी रॉ मटेरियल मंगाओ, तुमको 100 दिन पहले मंगा के रखने की क्या ज़रूरत है। लेट्स से अगर आज प्रोडक्शन करना है, थोड़ा सा सेफ भी तुम रहना चाहते हो तो तुम 2 दिन पहले मंगा के रख लो ताकि आज ये प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो पाए, है ना। सिमिलर वे में जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसको भी पहले से मत करके रखना। प्रोडक्शन भी हम तभी करेंगे जब एक्चुअल में कस्टमर की ऑर्डर आएंगी, है ना। जब तक कस्टमर का ऑर्डर नहीं आया है उससे पहले हम कभी भी इन्वेंट्री मेंटेन करके नहीं रखेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। क्या ही मतलब है पहले से इतना सारा पहाड़ टाइप का फिनिश गुड्स बना के रखना जबकि कस्टमर का ऑर्डर 2-3 महीने बाद आने वाला है। जब कस्टमर का ऑर्डर आए तब इमीडिएटली आप प्रोडक्शन करो, है ना, और अपने प्रोडक्शन सिस्टम को इतना स्मूथ इतना एफिशिएंट बनाओ कि हम जल्दी से जल्दी कस्टमर को उसके ऑर्डर्स डिलीवर कर पाएं। एंड दिस इज़ व्हाट जस्ट इन टाइम टेल्स अस। जस्ट इन टाइम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, टोयोटा के अंदर डेवलप हुआ था, इसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट भी माना जाता है। जस्ट इन टाइम भले हमको बहुत आसान लग रहा हो बोलने में कि यार ठीक है ना, तुम इतना पहले क्यों खरीद के रख रहे हो, तुम जब ज़रूरत है तभी खरीद लो, पर जब इसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन होता है ना तब समझ आता है कि भाई साहब कितना तकलीफदायक है ये। टोयोटा में भी जब World War II चल रहा था ना तब उनके पास पैसे नहीं थे कि इतना सारा वो इन्वेंट्री में फंसा के रखें, तब उनके एक इंजीनियर एक एग्जीक्यूटिव ने बोला कि यार देखो हम नहीं करते ये सब, इतना सारा इन्वेंट्री मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है, जब हमको ज़रूरत होगी तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस सिस्टम को भी उन्हें प्रॉपरली अप्लाई करने में अच्छा खासा टाइम लग गया था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जितना आसान दिख रहा है बोलने में थ्योरी में उतना आसान प्रैक्टिकली नहीं है, इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि यार जो कंपनी इसको अचीव कर ले रही है ना वो अपना बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री का खर्चा रिड्यूस कर पाएगी, ठीक है। चलो अब आगे हम इसका थ्योरी पढ़ते हैं फटाफट से। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोडक्शन मॉडल इन विच आइटम्स आर क्रिएटेड टू मीट डिमांड, नॉट क्रिएटेड इन सरप्लस और इन एडवांस ऑफ नीड। जब हमको जितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, जितने प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, हम उतना ही खरीद के रखेंगे, उतना ही बना के रखेंगे। यहाँ पे जब जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग हम बोलते हैं ना तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम प्रोडक्शन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन तभी करेंगे जब हमको रिक्वायरमेंट होगी, हम पहले से कुछ भी प्रोड्यूस करके नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
क्यों किया जाता है, क्या ही जरूरत है जस्ट इन टाइम की, ताकि हम राइट क्वालिटी लेवल प्रोवाइड कर पाएं एट राइट प्लेस. राइट क्वालिटी लेवल मतलब जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा. कब प्रोवाइड कर पाओगे, जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा, है ना. सिमिलर वे में राइट प्लेस पे प्रोवाइड करना है, जब कस्टमर को चाहिए तब बनाओ, पहले से बना के नहीं रखना. लेट्स से कस्टमर को ऑर्डर, हमको पता है कस्टमर को क्या चाहिए, लेकिन कस्टमर को ऑर्डर 2 महीने बाद आने वाला है, हम अभी से बना के रख रहे हैं. बेटर क्या है, जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा तब तुम उसको बना के दो, और जल्दी से जल्दी बना के दो, ठीक है. प्रोड्यूस ओनली द प्रोडक्ट्स दैट कस्टमर वॉन्ट, जो कस्टमर को चाहिए हम वही बनाएंगे, उतने ही क्विकली बनाएंगे जितना कस्टमर उसको यूज़ करना चाहता है. पहले से इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करके रखेंगे, जब कस्टमर का ऑर्डर आया उसको जितनी जल्दी अपने ऑर्डर की डिलीवरी चाहिए हम उतनी जल्दी उसको बना के देंगे, साथ ही साथ उन फीचर्स के साथ देंगे जैसा कस्टमर को चाहिए. मतलब हमारा एट लास्ट एम है कि भाई साहब कस्टमर तुम सैटिस्फाइड रहो, उनको सैटिस्फाई करने के लिए उनके हिसाब का प्रोडक्ट बना के देंगे, उतनी ही जल्दी बना के देंगे जितनी जल्दी उनको चाहिए, उन्हीं फीचर्स के साथ देंगे जैसा उनको चाहिए, ठीक है. प्रोड्यूस विथ परफेक्ट क्वालिटी, जैसा हमने मोमोज वाले एग्जाम्पल पे देखा कि वो एकदम फ्रेश बना के अपने कस्टमर्स को मोमोज दे रहे थे, है ना. इन दैट केस क्वालिटी मेंटेन है क्योंकि फ्रेशनेस है वहाँ पे. और साथ ही साथ सोच के देखो यार, यहाँ पे जब कस्टमर का ऑर्डर आता है तब मैं प्रोडक्शन करती हूँ, मैं पहले से बना के नहीं रख रही. अगर मैं पहले से बनाती लेट्स से, तो मुझे पता है कि 1 महीने में 10,000 units का ऑर्डर आने वाला है, तो मैं 10,000 units पहले से बना के रख रही हूँ, एक साथ बना रही हूँ. लेकिन उसी की जगह सोच के देखो, अगर मेरा कस्टमर का ऑर्डर आ जाया, एक कस्टमर का ऑर्डर आया 100 units का, अभी मैं जो प्रोडक्शन कर रही हूँ वो सिर्फ 100 units का करने वाली हूँ, तो अगर आपका प्रोडक्शन का जो अमाउंट है वो छोटा हो जाता है ना, प्रोडक्शन की क्वांटिटीज छोटी हो जाती हैं, तो हम ज़्यादा ध्यान से प्रोडक्शन कर पाते हैं, हम क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, और डिफेक्ट्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, प्रोड्यूस इन द मिनिमम पॉसिबल लीड टाइम, कम से कम टाइम लगा के हमको हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करना है. इसके लिए क्या किया जाता है, जब कस्टमर को ऑर्डर आ रहा है तभी के तभी प्रोडक्शन चालू किया जाएगा. ऐसा नहीं होने वाला कि भाई साहब हम वेट करेंगे कि एक ही का तो ऑर्डर आया, चलो 3-4 का आने दो फिर प्रोडक्शन चालू करेंगे, बिल्कुल नहीं. जब जिस कस्टमर का ऑर्डर आया उसके इमीडिएटली आप प्रोडक्शन चालू करोगे, साथ ही साथ शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल हो जाता है, एज छोटी क्वांटिटीज हम बना रहे हैं, कम क्वांटिटी बनाओगे तो जल्दी बना पाओगे. और जब हम जस्ट इन टाइम फॉलो करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हमारा सप्लाई चेन जो है वो बहुत एफिशिएंट हो. सप्लाई चेन मतलब आपके रॉ मटेरियल खरीदने से लेके आपके कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होने तक ये जो सारी चीज़ें आप कर रहे हो ना, वो सब सप्लाई चेन में आ रही है. ये सारी की सारी चीज़ें बहुत एफिशिएंट होना ज़रूरी है, और उस एफिशिएंसी की वजह से हम कस्टमर को जल्दी प्रोडक्ट पहुंचा पाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, प्रोड्यूस विद नो वेस्ट ऑफ लेबर मटेरियल और इक्विपमेंट. हमको ध्यान रखना है कि हम हमारे मटेरियल लेबर और इक्विपमेंट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें. देखो यार, तुमने जस्ट इन टाइम में मैन्युफैक्चर करने का बेड़ा पार लिया है ना, इन दैट केस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कस्टमर को ऑर्डर आया उसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराओ. कैसे प्रोवाइड करा पाओगे, जब आप लेबर को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, मटेरियल को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, इक्विपमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो. इनमें से कुछ भी चीज़ सही तरीके से नहीं इस्तेमाल होगा, टाइम वेस्ट होगा, तो हमारा जो ऑर्डर है वो डिले हो जाएगा. तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हर एक मूवमेंट हो रहा है उसके पीछे रीज़न हो. हमारे एम्प्लॉय को भी पता हो कि भाई वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है. अगर उसको लग रहा है कि ये जो रॉ मटेरियल है उसको उठा के यहीं रखा जा सकता है ताकि हम यहीं प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लें, तो वो करो, वो बेटर है आपके लिए, है ना. तो हम हर एक चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, चाहे हमारा लेबर हो, चाहे मशीन हो, चाहे इक्विपमेंट हो, किसी भी चीज़ में वेस्टेज हमको नहीं करना है, ठीक है. नेक्स्ट, प्रोड्यूस विद मेथड दैट रीइन्फोर्स द ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट ऑफ वर्कर. हमको इस तरीके से प्रोडक्शन करना है ताकि ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट हो वर्कर का. और जब आप जस्ट इन टाइम अप्लाई करते हो ना, तो उसका वैसे ही डेवलपमेंट हो रहा है. पहले वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहा था जिसमें कुछ भी चीज़ एफिशिएंट नहीं थी, अब आप जो एफिशिएंट तरीका जस्ट इन टाइम लेके आए हो उसकी वजह से हर एक मूवमेंट जो वो कर रहा है उसको पता है उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो खुद भी एफिशिएंट हो रहा है, उसका खुद भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, ओवरव्यू ऑफ जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग. सबसे पहला आता है इन्वेंट्री रिड्यूस हो रहा है. हमारा रॉ मटेरियल हम पहले से नहीं खरीद के रख रहे, हम पहले से प्रोड्यूस करके नहीं रख रहे, और इन्वेंट्री का खर्चा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है. क्वालिटी इंप्रूव हो रही है. हमने अभी देखा कि एज आप कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करोगे तो क्वालिटी पे ध्यान दे पाओगे, जब कस्टमर का ऑर्डर आ रहा है तभी बनाओगे तो फ्रेशनेस मेंटेन कर पाओगे. लीड टाइम रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हम जब ऑर्डर आ रहा है उसी समय इमीडिएटली हम प्रोडक्शन चालू करते हैं, साथ ही साथ हमारा सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है. वेंडर कंट्रोल और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, देखो ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
हमको पता है जस्ट इन टाइम में जब हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी हम तभी मंगाने वाले हैं। पर ना देखो यार, ज़रूरी नहीं है कि तुम जब रॉ मटेरियल मंगाओ तभी तुम्हारा सप्लायर दे दे। इसीलिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम सप्लायर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें। लेट से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हो वो 100 लोगों से खरीदते हो। सोच के देखो, कोई भी सप्लायर के साथ आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद रहे हो और कोई भी आपकी बात फिर मानने नहीं वाला। कि आप बोलोगे कि भाई साहब एक दिन के अंदर रॉ मटेरियल डिलीवर करके दे, वो नहीं मानने वाला। वो बोलेगा भाई साहब मेरे और ऑर्डर्स हैं, मैं आपका नहीं कवर कर पाऊंगा। इससे बेटर क्या होगा, आप एक दो ऐसे वेंडर्स फाइंड आउट कर लो, ऐसे सप्लायर्स फाइंड आउट कर लो जिनसे आप पूरा रॉ मटेरियल खरीदोगे। हमको 100 लोगों से नहीं खरीदना, हम सिर्फ ये 2 लोगों से खरीदेंगे हमारा सारा रॉ मटेरियल। इन दैट केस अब आप उनसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल खरीद रहे हो तो आप उनके ऊपर पावर मेंटेन कर सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि भाई साहब इसका तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, अगर इसका नहीं आएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो वो आपकी बात मानेंगे भी, साथ साथ आप जैसी क्वालिटी बोलोगे वैसी क्वालिटी मेंटेन करके देंगे, जब डिलीवर करने बोलोगे तब डिलीवर करके देंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वेंडर के ऊपर कंट्रोल रखो, कम वेंडर रखो और अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखो उनके साथ। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं होने वाला कि जस्ट इन टाइम एक बार लगा दिया और ख़त्म का। हमको उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना पड़ता है, कंटिन्यूअसली उसमें जो भी लूप होल्स हैं उनको हटा के एफिशिएंसी अचीव करने के ऊपर आगे बढ़ते रहना पड़ता है। जैसे मैंने आपको टोयोटा का भी एग्जांपल बताया, उनको भी बहुत सारा टाइम लगा था कि वो जस्ट इन टाइम में एक अच्छी एफिशिएंसी अचीव कर पाएं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाओ, ठीक है। स्ट्रैटेजिक गेन, देखो यार, जब तुमको पता है कि तुम इन्वेंट्री कम मेंटेन कर रहे हो तो तुम्हारा खर्चा कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है तो आप जो ज़्यादा एफिशिएंट या प्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं, प्रोडक्शन में अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने वाली चीज़ें, उन पे पैसे लगा सकते हो, उन पे अपना टाइम लगा सकते हो, जिससे आपको स्ट्रैटेजिक गेन मिलेगा, अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखो यार, हमको पता है कि जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा हमको तभी के तभी बना के देना है, और सोच के देखो उसी समय आपकी मशीन ख़राब हो गई, हो गया कल्याण, है ना। फिर बैठे रहो, बेचारा कस्टमर भी बैठा रहेगा इंतज़ार में कि भाई साहब ये तो दे ही नहीं रहे, हम जा रहे दूसरे कॉम्पिटिटर के पास उससे ले लेंगे, है ना। इससे बेटर क्या होगा कि आप कंटिन्यूसली अपने जो मशीन्स हैं उनका मेंटेनेंस करो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करो, ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि हमारी मशीनें ख़राब हो गई। अगर मशीन ख़राब हो गई तो ऑर्डर कैसे फुलफिल करोगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इसी के साथ हमारा जस्ट इन टाइम होता है ख़त्म। अब हम जा रहे हैं लीन ऑपरेशंस की तरफ। देखो यार, जस्ट इन टाइम के अंदर हमारा फोकस क्या था कि भाई इन्वेंट्री का खर्चा कम करना है, मैन्युफैक्चर भी उतना ही करना है जितना कस्टमर का ऑर्डर आएगा। तो एट लास्ट हम इन्वेंट्री के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं कि इन्वेंट्री में जो वेस्टेज है, इन्वेंट्री में जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसको हटाओ। पर यार सोच के देखो, क्या ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इन्वेंट्री का खर्चा होता है क्या? इन्वेंट्री में ही वेस्टेज होता है क्या? उसके अलावा कहीं और नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर एक एरिया, हर एक ऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जा रहा है, उन सब से जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करें। एंड लीन ऑपरेशन फोकसेज ऑन दैट। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने ही लीन ऑपरेशन डेवलप किया। जब उन्होंने जस्ट इन टाइम अप्लाई किया ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको भी समझ आ गया कि भाई साहब सिर्फ इसमें नहीं, इन्वेंट्री में ही हमारा जो वेस्ट नहीं होता है, हमारे पास अलग अलग जो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर भी वेस्टेज होते हैं। तो बेटर है कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वेस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करें, और इसीलिए लीन ऑपरेशंस का डेवलपमेंट हुआ। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू रन, हमको खर्चे कम करने हैं, हमको ऑपरेट करना है ज़्यादा एफिशिएंटली, और यही हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये बोला हमारे लीन ऑपरेशन ने। लीन ऑपरेशन एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी है जहाँ पे आप ज़्यादा करते हो बट लेस, मतलब हम कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेके आने की कोशिश करेंगे। ये मिनिमलिस्टिक अप्रोच है कि भाई साहब हमको ज़्यादा नहीं करना, हमको कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं करनी, हमको कम खर्चे में कम रिसोर्सेज में ही काम करना है, लेकिन उससे ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव करनी है। टू रन अ बिजनेस एंड इम्प्रूविंग डे टू डे ऑपरेशन, एट लास्ट मेरे लीन ऑपरेशन का एम क्या है कि मैं जो हर दिन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहूँ, ठीक है। नेक्स्ट, लीन ऑपरेशन हैज इट्स रूट्स इन द टोयोटा ऑटोमोबाइल कंपनी ऑफ जापान, जहाँ पे वेस्ट हमको अवॉइड करना था एट ऑल कॉस्ट। तो टोयोटा वालों ने बोला कि भाई साहब हमको जो लगेगा हम करेंगे, लेकिन हर एक जगह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, चाहे वो वेस्ट टाइम का हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे आइडल वर्कर्स का हो। टाइम का वेस्टेज कैसे हो सकता है समझना। लेट से आपने प्रोडक्शन किया, पर प्रोडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं वो फॉल्टी हैं, कोई काम के नहीं है, तो कोई मतलब है क्या? पहली बात तो आपका प्रोडक्शन का टाइम वेस्ट हुआ, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन आपने टोटल किया उसमें से फाइंड आउट करना पड़ रहा है ना कि कौन कौन से फॉल्टी हैं,
तो वो क्वालिटी टेस्ट में टाइम वेस्ट हुआ। बेटर क्या होता कि हम प्रोडक्शन ही इस तरीके से करें कि हमारे यहाँ फॉल्ट जो है वो जीरो पहुंच जाए। आई नो जीरो पहुंचना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करती हैं कि वो जितना ज़्यादा कम कर पाए उतना कोशिश करें, है ना। उनका एम क्या है एटलास्ट कि जीरो फॉल्ट्स पे हमको पहुंचना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आपका वेस्टेज कैसे हो सकता है अगर आपने अच्छा खासा इन्वेंट्री मेंटेन किया है, तो बेटर क्या है आप कम से कम इन्वेंट्री मेंटेन करो। ये कैसे हो पाएगा पॉसिबल जब आप जस्ट इन टाइम फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो लीन ऑपरेशन के अंदर जस्ट इन टाइम भी इंक्लूडेड होता है ताकि इन्वेंट्री में जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, अगर आपके यहाँ कोई आइडल वर्कर्स हैं तो उन आइडल वर्कर्स को हटाओ, या तो ऑर्गेनाइजेशन से निकालो या तो उनसे कुछ और काम कराओ। हमको कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम वर्कर्स से ज़्यादा बेनिफिट लेके आना है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एलिमेंट्स ऑफ लीन प्रोडक्शन। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जब लीन प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन को हम कंसिडर करेंगे, मतलब मेरा रॉ मटेरियल आने से लेके उसका प्रोडक्शन, उसकी डिलीवरी, ये सारी जगह मैं वेस्टेज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इन्वेंट्री जब हम मेंटेन कर रहे थे, जस्ट इन टाइम हम कर रहे थे, तो हमारा एम था कि जो इन्वेंट्री है उसको रिड्यूस करो। हमको हर एक जगह जो वेस्टेज हो रहा है हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, हैव एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियस अबाउट देयर वर्क। हर एक इंसान हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है चाहे वो कुछ और कर रहा हो, हर एक इंसान जो अपना काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है। हर एक मूवमेंट हमारा सोच समझ के होना चाहिए, हमको कहीं भी किसी भी टाइप का वेस्टेज नहीं करना है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे कंटिन्यूसली फोकस किया जाता है, ऐसा नहीं कि आज लीन ऑपरेशन लगा दिया तो काम खत्म। आपको कंटिन्यूसली लीन ऑपरेशन को इस्तेमाल करना और कंटिन्यूसली हर एक जगह से वेस्ट हटाते रहना है। ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा मानती हैं कि यार कभी भी हमारा जो इम्प्रूवमेंट है ना वो खत्म नहीं होता, हम हर रोज कहीं और किसी और टाइप का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन बाय प्रोडक्ट और सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग रेदर देन फंक्शनल और प्रोसेस लेआउट। फंक्शनल और प्रोसेस लेआउट कैसा होता है पता है, हम मशीन्स या फिर फंक्शंस के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, जैसे ये ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, ये पेंटिंग डिपार्टमेंट, ये असेंबली डिपार्टमेंट। तो जब भी कोई प्रोडक्ट आता है उसको अगर ड्रिलिंग कराना है तो वो यहाँ जाएगा, उसको असेंबली कराना है तो यहाँ जाएगा, उसको पेंटिंग कराना है तो यहाँ जाएगा, उसको कुछ और कराना है तो यहाँ जाएगा। हर एक प्रोडक्ट को ऐसे घूमना पड़ता है। थिंक अबाउट इट यार, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, हर बार बेचारे प्रोडक्ट को कितना ही घूमना पड़ रहा है ना। बेटर क्या होता कि आपने प्रोडक्ट की एक प्रॉपर लाइन बना दी है, जहाँ पे हर बार अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो वो पहले मशीन वन में जा रहा है, फिर मशीन टू में जा रहा है, फिर मशीन थ्री में जा रहा है, और एट लास्ट प्रोडक्ट बन के आ रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब हमारे यहाँ तो हर एक प्रोडक्ट अलग अलग होता है, हम ऐसी लाइन थोड़ी ना बना पाएंगे कि वो मशीन वन टू थ्री ऐसे ही जाएगा, कई बार हमको 3-2-1 की ज़रूरत पड़ती है, कभी हमको 3-1-2 में जाना पड़ता है, तो हर बार सीक्वेंस चेंज हो रहा है, तो बेटर क्या है आप सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग करो, मतलब हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग से सेल्स बना दो। और ये सेल का काम होगा कि ये जो पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट इसी सेल के अंदर बन रहा होगा। या तो आप ऐसे प्रॉपर लाइन बिछा सकते हो प्रोडक्ट की, या तो आप ऐसे छोटे छोटे सेल्स बना सकते हो जिसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो बेटर क्या है प्रोडक्ट और सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग फॉलो करना एज कम्पेयर टू फंक्शनल और प्रोसेस लेआउट। नेक्स्ट, ऑपरेट द फैसिलिटी इन जस्ट इन टाइम मोड। हमको जस्ट इन टाइम में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जस्ट इन टाइम में इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना है ताकि इन्वेंट्री का खर्चा हमारा रिड्यूस रहे, ठीक है। सो इसी के साथ हमने हमारा जस्ट इन टाइम में लीन ऑपरेशन खत्म किया। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटे से टॉपिक है, लेकिन अगर थ्योरी में पूछ लिया तो इतना सा ही तो है ना, 5 मार्क्स मिल जाएंगे, बेटर है कि हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।